नमस्कार, मैं हूं नेहा मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ अजय भारत। IRCTC मामले में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है और क्या झटका लगा है इसी पर बात करेंगे हमारे सहयोगी नवनीत से। नवनीत देखिए नेहा, बिल्कुल, चूंकि IRCTC रेलवे घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के तमाम सदस्यों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ी हुई है। और चूंकि उसमें दो तकनीकी जो मामला है उसमें एक है कि एक उसमें दो मामले दर्ज हैं प्राथमिकी में, तो उसमें एक मामला CBI का है और एक मामला ED का है। CBI ने चूंकि इस मामले को लेकर के लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ जांच शुरू की थी और उसमें जो एविडेंस आए थे उसके बाद ईडी ने उस मामले में जो सबूत मिले थे उसके बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी और उसको लेकर के बहुत सारी प्रॉपर्टी थी लालू प्रसाद यादव परिवार से जुड़ी हुई, तो उस प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया है। उन दोनों मामलों में जो है वो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कोर्ट के अंदर पिटीशन दिया था कि चूंकि ईडी और CBI दोनों जो मामले हैं वो दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ हो रही थी, तो तेजस्वी यादव का पिटीशन में ये वकील के माध्यम से उन्होंने मांग की थी कि पहले CBI के मामले का सुनवाई हो और जब ये फैसला होता है उसके बाद ईडीआई की अलग से उस मामले में सुनवाई हो, जबकि दोनों मामले साथ साथ चल रहे हैं। तो इसी को लेकर के आज पटियाला हाउस कोर्ट में ये उनकी पेशी थी और सुनवाई थी मामले को लेकर के, जहां उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद तेजस्वी यादव के पिटीशन को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा और दोनों मामलों की अलग अलग सुनवाई होगी, तो थोड़ी सी कानूनी रूप से राहत मिलती लालू प्रसाद यादव के परिवार को और तेजस्वी यादव को। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने तेजस्वी यादव और उनके वकील की दलीलों को खारिज कर दिया और अब दोनों मामले जो हैं, जैसे पूर्व में दोनों मामले साथ चल रहे थे वैसे दोनों मामलों की साथ में मुकदमों की सुनवाई होगी, क्योंकि इस मामले में पहले से ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और इसके अलावा जो राष्ट्रीय जनता दल के एक और बड़े नेता हैं प्रेमचंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, इन तमाम लोगों को पहले ही CBI कोर्ट ने जमानत दे दिया, तो इसमें ऐसे कोई गिरफ्तारी वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों मामलों की अलग अलग सुनवाई को लेकर के तेजस्वी यादव कोर्ट के पास गए थे, वो फिलहाल राहत उन्हें नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए बड़ा झटका है। और चूंकि तेजस्वी यादव को काफ़ी उम्मीद थी, जिस तरह अपने कानून वकीलों से उन्होंने बात की थी, कानूनी एक्सपर्ट से सलाह ली थी, तो उनको लग रहा था कि शायद उनके मामले को कोर्ट गंभीरता से लेगा और शायद उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल राहत नहीं दी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने नवनीत, कि कई दिनों से जो है तेजस्वी यादव इस केस में उलझे हुए हैं और उनका पूरा परिवार भी इस केस में उलझा हुआ है और ये उम्मीद भी तेजस्वी यादव ने कोर्ट से खास तौर पर लगाई थी कि शायद उन्हें कोर्ट है राहत दे देगी, लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आई वो यही है कि कोर्ट ने उन्हें ये इस मामले में राहत ना देकर बड़ा झटका दिया है। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB News। नमस्कार।